जैसे ही पंडित ना आरती के लिए गए तो इतनी जबरदस्त लहर आई गंगा मैया की, एकदम से पहले नहीं था ये फ्लो एकदम से आया, सारा पानी ले गया। हरे हरे गंगे पानी में से काटा था आराम से चल रहा था, एकदम से ऐसा फ्लो आया सारा पानी ले गया, जबरदस्त लग रहा है। आरती हो रही है रात में शाम को 6 बजे से 7 बजे तक है ना, सभी गाते हैं आरती होती है, अच्छा लगता है। किसी भी घाट पे आप कहीं भी हो, आसपास जो भी घाट है ना उसकी आरती अटेंड करो। इधर उधर जाने में तो 1 घंटे की आरती होती है, खत्म हो जाती है। फिर जाओ वहीं पर माँ गंगा मैया आ जाओ, भगवान बोले शंकर को याद करो और शांति से आराम से भगवान का नाम लो, घर परिवार सुख शांति से रहो, यही कामना है। थोड़ी देर देखो इधर से ये है कंप्लीट गंगा मैया का सीन, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। सामने रामजुला की तरफ और ये जो सामने लाइटें हैं ये सारा कंप्लीट तपोवन है, और जो सबसे ऊपर ये दिखाई दे रहा है ये है द होस्टलर, सबसे ऊंची बिल्डिंग है द होस्टलर की। ये कंप्लीट तपोवन ऐसे ऐसे ये नेचुरल गंगा घाट। हवा भी चलने लग रही है, जल्दी से नहा लेती हूँ हिम्मत करके, फिर आरती करती हूँ आराम से। रिकॉर्ड तो क्या पता ना कर पाऊँ, बस नहा लेती हूँ, टाइम हो गया, ठंड लगने लग जाएगी, करती हूँ हिम्मत, देखी जाएगी बुखार चलेगा क्या है। बुखार तो वैसे भी मेरा पिछली बार चढ़ लिया था, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, अब की बार नहीं होगा, माँ गंगे मैया की कृपा रहेगी। वैसे तो मैं कल भी ना आ सकती हूँ, लेकिन आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज तक से लेट, मतलब मैं शाम को ही नहाना चाहती थी, शाम की आरती में आरती करना चाहती थी, जल्दी नहा लेती हूँ। जय गंगे मैया की, जय गंगे मैया की, जय गंगे मैया की। माता रानी हवा इतनी तेज चल रही थी, पहले तो जड़ ही नहीं रहा था। गंगा माई नहा लिए धो लिए, कहाँ टक गया मेरा दिया। देख कितनी अच्छी जगह से पे छुपा है ये, भाई बुझे ना, ये देखो माता जैसे वाओ। मैंने ना दिया और फूल प्रवाहित कर रहे थे गंगा मैया में, थोड़ी सी देर गंगा नदी में चल के और इधर छुप गया, क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है और छुपे छुपे सही सही दिया जल रहा है। थोड़ी सी देर है ना जलने देती हूँ मैं दिए को, फिर थोड़ा सा आगे करती हूँ गंगा मैया में। जय गंगे मैया, ये माँ
मेरे बेटे को ढेर सारी खुशियाँ देना, सुख शांति समृद्धि देना, अच्छी उम्र हो, बुरी नज़रों से बचे, हैप्पी बर्थडे बेटा रमन, हैप्पी बर्थडे। देख तेरे नाम का दिया जलाया था मैंने गंगा नदी में, पहले गंगा मैया में नहाई और फिर नहा के आरती की और फिर ये दिया किया बेटा मैंने, दिया जलाया और दिया जला के और थोड़ा सा गंगा मैया में प्रवाहित किया था, तो थोड़ी सी देर चलने के बाद गंगा नदी में और फिर आगे इधर आके और इधर छुप गया, और छुपना इसलिए ज़रूरी था इसका क्योंकि इतनी हवा चल रही थी ये बुझ जाता, जाते जाते थोड़ी देर दूर जाते ही बुझ जाता, और ये अपने आप अब सही जल रहा है, सही रोशनी हो रही है दिए की, जलने देती हूँ मैं थोड़ी सी देर के बाद, थोड़ा सा आगे करूँगी गंगा मैया में फिर दूर तक चला जाएगा। अच्छा है, मैं पिछली बार भी मुझे मौका मिला ऐसे ही गंगा नदी में नहाने का, माँ गंगा के पास पिछली बार भी बर्थडे पे ऐसे ही आई थी, और अब की बार जन्मदिन आया तब भी मैं अभी आई हूँ, एनर्जी सी बस ऐसे ही मन करता है कि बस चलो मौका भी मिल गया मेरा। रमन तो बोलता दादा दादी के बर्थडे मनाऊँगा, पर भी मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, रमन का तो ऐसे मन करता है कि मैं दादा दादी के बर्थडे मनाऊँ और मस्त इंजॉय करूँ, फिर मैंने भी सोचा मैं भी गंगा नदी में स्नान करके माँ गंगा के पास आके और अच्छे से स्नान करके पूजा पाठ कर लूँ, और मैंने ये दिया ऐसे ही देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आके छुप गया, बड़ा ही अच्छा लग रहा, मेरे बेटे के नाम का दिया गंगा नदी में ऐसे छुपा बैठा हुआ है, जल रहा है आराम से, थोड़ा सा दूर जाएगा ना बिना फिर तो ये हवा इसको बुझा देगी, जब तक ये जलेगा ना तब तक मैं वीडियो बनाऊंगी अच्छे से। अरे अब तो ये आगे करते छुपाए, फूल प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत अच्छा जला मेरा दिया। अरे गंगे मैया हर हर गंगे मैया रे, अब जाओ जाओ रे, वाह 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 वाह, ओए राम रे पांव दुखने लग गए मेरे तो, नहीं नहीं अब तो सही हो गया, सही है अब तो चला गया, देखो अब मेरे फूल सही जा रहे हैं उधर, दिखाई नहीं दे दिया नहीं जल रहा उधर जा रहे हैं उधर, हाँ जाए वो जा रहा, हाँ सही है, जय गंगे मैया जय भोलेनाथ की, चलते हैं काफ़ी देर होगी, जय गंगे मैया जय गंगे मैया। ये लो भाई माँ गंगा में गंगा नदी में मैंने स्नान कर लिया, अप्रोक्सीमेट 7 बजे का टाइम हो गया और 26 अक्टूबर है और मैं इस घाट पे खड़ी हुई हूँ ऋषिकेश, ये है ऋषिकेश की तरफ से ऋषिकेश दुल्ला की जो स्ट्रीट है ना ऋषिकेश, ये लोग गंगा नदी में मैंने स्नान कर लिया और मैं खड़ी हूँ ये ऋषिकेश दुल्ला के पास जो घाट है इधर। अच्छा ठंडा पानी नहीं लगा क्योंकि क्या होता है कि दिन में धूप थी अच्छी खासी, तो गंगा नदी का जो पानी है ना वो गर्म था, गर्म हो गया था और इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगा मुझे, अच्छा बढ़िया तरीके से नहाई, और जब हम सुबह नहाते हैं ना वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि वो रात भर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता ना बर्फ़ की तरह, उसमें प्रॉब्लम आती है, मैं सोचा शाम को अब ठंडा लगेगा लेकिन नहीं, ठंड तो थी नहीं ना ही ठंडा पानी था, मस्त स्नान हुआ, जय गंगे मैया हर हर गंगे।
ये ऋषिकेश वाला सिंपल नेचुरल घाट है। राम झूला तो जाते तो काफ़ी उधर से जाना पड़ता, फिर मैं इधर ही तपोवन से आके फिर उधर ही मैं इधर ही स्नान करते हैं आजकल। अच्छा स्नान हुआ, माँ गंगा नदी में स्नान करके बहुत अच्छा लगा। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, 26 अक्टूबर है और अभी टाइम हो गया 7 बज गए और पानी भी मुझे ठंडा नहीं लगा क्योंकि ये दिन में धूप थी और पानी गर्म था, मतलब नॉर्मल था पानी, थोड़ा हल्का सा ठंडा था। और सुबह जो पानी होता है वो काफ़ी ठंडा होता है क्योंकि रात बर्फ़ की तरह जम जाता है। आरती की और सही है, जय गंगे मैया। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। देखो इसमें ये देखो ये लक्ष्मण झूला, ये देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक अमेजिंग नज़ारा। ओम चंद्रमाए नमः, ओम चंद्रमाए नमः। लक्ष्मण झूला के ऊपर चंद्रमा का रहस्यमयी प्रकाश, कितना अच्छा लग रहा है। सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों पटाखे बजा रहे हैं ये इधर लक्ष्मण झूला के पास। ये गॉगल्स, ये समझ में आया मुझे गॉगल्स कैसा लगता है, देखिए अच्छा, अच्छी है मार्केट, अच्छी है ये शॉप। उत्तरांचल विकास एम्पोरियम, ये जब हम ऋषिकेश झूला है ना, ये जो लक्ष्मण झूला है, इस वाली गली आते हैं और सबकी सबसे लास्ट पॉइंट पे जहाँ से जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन लग रहा है ऋषि लक्ष्मण झूला का, ये राउंडिक शेप पे, ये इधर लक्ष्मण झूला की जो मूर्ति लगी हुई है और आप ये ऐसे करके आओगे ना
ये एक स्पेशल शॉप है वो गर्ल्स की, वो गर्ल्स बहुत अच्छे मिलते हैं इधर और बिल्कुल सेम बढ़िया प्राइस पे, बेस्ट प्राइस है बिल्कुल। ये देखो ये 300 का है मेनली, मैंने तो थोड़े बहुत कम करवाए हैं और कम भी कर दिए, उत्तराखंड से ही है भैया, देखते हैं कैसा लगेगा चक्कर। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये थोड़ा सा चेक करती हूँ, ऐसा लग रहा दिखाई नहीं दे रहा ना। ये माँ के लिए और ये बेटे के लिए है ना मस्त। हैप्पी बर्थडे बेटा, ये आपके लिए गिफ्ट, आपके लिए गिफ्ट लिया मैंने इसी केस से, दोनों के लिए माँ बेटा मस्त लगेगा। ये इसी केस लक्ष्मी बोला का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, दो है यहाँ पर मोबाइल कंप्लीट इंडियन फूड ट्राई कर रहे हैं, बार बार ऑर्डर कर रहे हैं, ये ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं, पूरी लाइफ में जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण झोला के पास जो भोजनालय है वहाँ मैं कर रही हूँ, खाली ऑर्डर की है तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है, खाने का मन है 120 ओनली। एक बार मैं पिछली बार आई थी, सोचा था एक अच्छा सा ना बैग लूँगी कुछ इस तरह का, ये हैंड ये हाथ से बने हुए बैग है, थोड़े से शायद कढ़ाई वगैरह और कुछ इस तरह से। ये मैंने आपको कट दिया और कम अभी 1000 रुपये भी मैंने आपको कट दिया। ये बैग लिया मैंने, कैसा है? 50 बताया ना आपको भी लास्ट, 1050 बताया, सही है ना? 50 दीदी नहीं इतना हमको भी, हम इतने प्रॉफिट में काम नहीं करते, पहली बार कर दो यार 700 भी दीदी। ये सब ये ले लो, सेम ही है बिल्कुल। कैसा लग रहा मेरा बैग कमेंट करके बताना। ये यहाँ का बना हुआ है, वो बाहर से आता है, ये 1500 है। येलो कलर का बढ़िया है, कलर तो और भी ज्यादा थे, ये इधर वाइट कलर भी है और ग्रीन कलर भी है, रेड भी है, रेड इसमें ये इस तरह से है, ये ये वाइट कलर है, ये ब्लू कलर टाइप और अलग अलग कलर है इसमें, ये थोड़ा सा ऐसे ये ग्रीन है, ये ग्रीन कलर है, लेकिन इनसे सबसे अच्छा मुझे यही लगा येलो वाला, ज़्यादा ओवर भी नहीं दिखाई दे रहा, बढ़िया बैग है, सही है ना, अच्छा लग रहा है इनसे तो, अच्छा ही लग रहा मुझे यही पसंद। ये है अप्रोक्सीमेट 450, वैसे तो ये कह रहे कि हम 550 या 550-600 ऐसे मॉर्निंग टाइम में सेल करते हैं, अभी शाम का टाइम है तो मेरा ये 430 में मैंने बाय किया है, चार बैग ऐसे है, चलो ठीक है।
ये इस तरह के बैग वहाँ पर 90-95 हज़ार इस तरह से इंग्लैंड में मिलते हैं। ये उधर तो बस यही है, कॉस्टली लोग है। ये आपका इधर से ये 1500 है ना, ये कहाँ से बन के आते हैं ये वाले बैग? थाईलैंड के नहीं है। अच्छा, वैसे थाईलैंडर ये इस तरह से है वो, चलो उधर तो महंगा ही होगा। ये अच्छा कपड़ा है, प्योर बिल्कुल कॉटन में 1500 है भाई, बहुत महंगा कह रहे हो। ये टॉप टाइप तो है ही, ऐसा नहीं है। 700 तक तो ठीक लगता है, ये कमाल कर रहे हो। कपड़ा तो आपका अच्छा है सारी ड्रेसेज का, लेकिन रेट भी बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं, हम कैसे खरीदें? प्योर सिल्क भरी पड़ी है, पूरी शॉप भरी पड़ी है। थोक मार्केट का काम करते हैं ये होलसेलर। एक ये उधर एक बैकलेस मतलब बैकलेस ड्रेस है 2500। मुझे कह रहा मैडम आप ये ले लो, मैं भाई हमारे तो पहनने में ही नहीं आती, हरियाणा से ना, तो क्या घर पे ही रखी रहेगी। ये प्योर कॉटन की ड्रेस ही चाहिए पूरी कंप्लीट नीचे पाँव तक। ये भी 2000-3000 इस तरह से है, 1500 से स्टार्ट है एक एक ड्रेस। ये बात ऐसे है इधर। ये प्योर दुपट्टा है बिल्कुल 1500। ये इस तरह की है, सारा कुछ वो। वही स्ट्रीट आ गई, बालकनाथ स्ट्रीट, साइड में बालकनाथ टेम्पल, सामने ऐसा SBI बैंक। चलते हैं, करते हैं ऊपर चढ़ाई। इराज कैफे आज भी ऐसी ही हवा चल रही है। एक बात है, गंगा माँ का पानी सही नॉर्मल था, गर्म टाइम, मुझे सर्दी नहीं लगी, बहुत अच्छा स्नान हुआ आज। बंद हो गया अब तो वो दी कैफे। इधर कॉफी तो बहुत ज़्यादा महंगी है, कॉफी दिन में पूछा था मैंने, हाँ भैया एक कॉफ़ी पिला दो, क्या रेट है? 1160। ओके जी, वाई जी। अभी तो ऊपर डोरमेट्री अवेलेबल है, लोअर नहीं है। अरे ऊपर तो मेरे से कैसे ही चढ़ा जाएगा, मैं तो थोड़ा सा मोटे भी हूँ ना। वैसे हॉस्टलर बुक रहता है ना, 12 महीने बुक रहता है, 12 महीने। यंगस्टर स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं इधर, स्टूडेंट्स
मतलब एक ही एज के मान सकते हो आप। एक वीडियो देख रहा हूँ मैं, हिमाचल टूरिज्म। हाँ हिमाचल टूरिज्म कहाँ गए? ये उधर का है, नारकंडा। नारकंडा हाँ, नारकंडा से आप? मेरे धर्मशाला में घर है, शिमला में मेरा स्टडी हुआ है। अच्छा धर्मशाला में, याद आ गई बढ़िया। हाँ उधर थोड़ा जीप भी घूमने गई थी ना मैं, उधर बना बड़ा ऑर्चिड्स। हाँ यही वहाँ रहती थी, ये दो लड़कियाँ भी उधर, गांव भी है उधर। तारादेवी भी गई थी? नहीं शिमला तो मैं नहीं घूम पाई थी, तो मैं जीप भी घूमने गई थी। तारा देवी और मशोबरा ट्राई करना है। मशोबरा तो क्लब महिंद्रा में मैंने मेंबरशिप ले रखी है। वो भी बढ़िया। हाँ मशोबरा भी गई मैं, क्लब महिंद्रा, नैनीताल भी, और ये पिछली बार मैं मसूरी भी आई थी। कानाताल का बढ़िया बता रहे हैं क्लब महिंद्रा का, फिर उसमें ना अवेलेबिलिटी कम है। मेरे ख्याल से आपको भी अगर कर ही रहे हो तो एक बार हॉस्टल्स ट्राई कर सकते हो, हॉस्टल्स बढ़िया है। अगर विजिटर देखने, बैकपैकर्स देखने, तो आपको हॉस्टल्स ट्राई, हॉस्टलर्स हॉस्टल। ये तो फिर ऋषिकेश में क्लब महिंद्रा तो अलग ही चीज़ है। थैंक यू सर, आज आर्टिस्ट बुला लिया और अपने का आर्टिस्ट ले जाएगा। सही है, देखते हैं, चलो घूम घूम करके आते हैं। बता अच्छे लग रहे छोटे छोटे। मैं भी सोच रही है तीन, फिर मैंने ध्यान से देखा, एक यूरोप का टाइम बता रही है, यूरोप में अभी 8 बजे हुए हैं, एक साल यूरोप में है 8 o'clock, और इंडिया में है 11:30, और लंदन में है 7 o'clock, ये टाइम है। द हॉस्टलर है भाई, पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं इधर, स्टूडेंट आते हैं, हॉस्टल लाइफ, यंगस्टर लाइफ। सही है, बहुत बढ़िया है। जय हो हॉस्टलर की, जय हो। उधर तो है ना हॉस्टलर में अपर डोरमेट्री मिल रहा था भाई, कौन चले अपर ऊपर वाली डोरमेट्री में। लोअर डोरमेट्री मिल जाएगी, डोरमेट्री भी होती है उसमें काफ़ी। सही है, 10 बेड और 8 और 4 बेड ऐसे ही डोरमेट्री है। तो 5 बेड डोम में अवेलेबिलिटी है, लेकिन वो लोअर बेड ही है, अपर वाला बेड। नहीं मुझे लोअर ही चाहिए। बना दो फीमेल डोरमेट्री और मिक्स डोरमेट्री, हर तरह की ये डॉर्मेट्री अवेलेबल रहती है, हॉस्टल का ये सिस्टम होता है। आपकी बिल्डिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉर्मेट्री और बना दो, डॉर्मेट्री की तो खास ज़रूरत है ऋषिकेश में, इतने है ना शायद रूम बुक नहीं होते हैं ना। डॉर्मेट्री ज़्यादा प्रेफर करते हैं फॉरनर हो गया, या फिर से सोलो जो ट्रैवल, आजकल सोलो का ही ट्रेन चला हुआ है। आपने भी अच्छा डिजाइन करवा रखा है, अभी तो कोई खास दिख नहीं रहा, कल देखते हैं। ये बड़ा अच्छा कर रखा है, सारी जो हॉलीवुड बॉलीवुड की जो टॉप मूवीज है ना, उनके स्पेशल फ्रेम पिक्चर अच्छे अच्छे से है ना दीवार पे लगा रखे हैं, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है बराबर। या कई बार तो क्या होती है, एक ही पेंटिंग टांग देते हैं पूरी उसमें वॉल पे, ये मेमोरीज है, हर फोटो कुछ कहती है, हर फोटो सुपर डुपर हिट मूवी की है, हॉलीवुड और बॉलीवुड की। अच्छा डिज़ाइन है ये भी, बहुत अच्छा, सही है।
वेलकम टू हाउस, ये क्या बोलते हैं आप, मोस्ट से क्या इसको करो, मुस्टैच। अच्छा मैं मोस्त से बोल रही, पता नाम ही अजीब है, बिल्कुल अजीब सा ही नाम है आपके इसका हॉस्टल का, ये नाम है, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नहीं हो रहा। मोस्टैच सही है ना, मुस्टैच ऋषिकेश, जैसे दाव होस्टलर कंपनी है ना, ऐसे ही मुस्टैच एक अलग होस्टल कंपनी है। इसके भी काफ़ी मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज में है ब्रांचेज, अच्छी है ना ब्रांचेज है ना इसकी, अच्छी 24 प्रॉपर्टीज, कितनी 24 प्रॉपर्टीज बढ़िया है। मैं वो तो मैप से पता चल जाता है, अगर आप ना फीड करोगे ना मुस्टैच प्रॉपर्टी इन इंडिया लिस्ट आ जाएगी। सही है, जय हो मुस्टैच की, मुस्टैच। अरे बड़ा अजीब लग रहा है, किसने रखा है ये ऐसा नाम, क्या मीन होता है इसका, मुस्टैच का मीनिंग होता है मूछे। अच्छा मूछे, मर्द की मूछे, मुस्टैच मर्द की मूछे, मर्द मूछे तो मर्द की होती है भाई, तो ये मूछे मुस्टैच। अच्छा मूछों जो मूछे होती है उसको इंग्लिश में मुस्टैच बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मैं तो आज तक ये भी नहीं पढ़ा इंग्लिश में कभी। हाँ सही, मैं अपने है ही नहीं इंग्लिश में मूछों को इंग्लिश में। हाँ ये भी बात नोट करने वाली है, मुस्टैच मूछों को इंग्लिश में मुस्टैच बोलते हैं। अरे ये तो कभी हमने स्टडी में भी नहीं देखा, या कभी ऐसे आया ही नहीं, स्टडी करने में भी नहीं आया। ये अच्छा कर क्या भाई, ड्राइवर की भी रूम है, ड्राइवर के लिए भी डोरमेट्री वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर, हाँ स्टे तो करना ही होता है ड्राइवर को, और कहाँ करे, बड़ा अच्छा है इधर तो, सही है। ये मोस्ट अच्छे मोछों का सवाल है भाई, हर चीज़ का सिस्टम कर रखा है। इन द नेक्स्ट डे कर ली तैयारी मैंने तो, नेक्स्ट डे सुबह के बजे हुए हैं अप्रोक्सीमेट 11 बज गए, और ये डोरमेट्री मिली थी मुझे कल, सामान पैक कर लिया, बस चेकआउट कर रही हूँ। लड़कियाँ तो गई घूमने, दूर से आई थी, बुक थी सारी, मैं तो लास्ट में तैयार होती हूँ आराम से, मुझे यहाँ क्या देखना है, देख ही रखा है सब कुछ, मैं तो आराम से घूमने आई हूँ, पूजा पाठ करने आई हूँ नॉर्मल, बस गंगा नदी के किनारे बैठेंगे और मार्केट घूमेंगे, और बहुत सारे टेंपल तो रहते हैं उनमें विजिट करेंगे। बीटल आश्रम नहीं गई मैं कभी, बीटल आश्रम जाऊंगी, पिछली बार गई थी लेकिन फिर मैं गेट के बाहर से ही आ गई थी, बंद हो गया था, अब की बार देखते हैं। इस तरह से होती है डोरमेट्री, ये इधर बस की तरह होती है, जैसे बस होती है ऐसे होती है ऐसे डोरमेट्री, किसी को कोई मतलब नहीं, अपने आओ रुको और नहा धो के जाओ। चार्जेज होते हैं वो भी कम होते हैं, 400, 500, 600 में आपको स्टे मिल जाता है, और वही रूम लेने तो लेना हो तो वही 1000 वहाँ क्या है, 1500-2000 से तो कोई नीचे देता ही नहीं आजकल, टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ गया ना,
ये इस तरह से लॉकर बने हुए होते हैं, इनमें सामान रख लो, ऐसे ही होता है यहाँ का सिस्टम। ठीक है भाई, कंटिन्यू करती हूँ मैं तो मेरी जर्नी। जय हो सबकी, हाँ सबकी जय हो।